एलिफेंट विस्पर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही शार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स का। तमिलनाडु की मुदुमैले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिकेय गोंजा लम्बेज की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्ची की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के देखरेख में करते हैं। कार्तिकेय गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल। इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यहाँ एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की ज़िंदगी आसान होती हो।
फॉर्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्ची का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फर्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है। लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी कड़वाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नजरिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूमकर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के दो वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिकेय गोंजा लम्बेज की फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्ची की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है।
कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है, तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमाटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ, उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं, पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यहाँ एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की ज़िंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूम कर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि
सरकारी तौर पर उसे खत्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक जिंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिके गोंजा लंबेज की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रहे गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यह एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का
मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की जिंदगी आसान होती हो। फोम के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फर्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूम कर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स का। तमिलनाडु की मुदुमैले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिके गोंजा लंबेज की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं।
कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या निकलेंगे? बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्ची की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है, तो वो कैमरा के साथ वहाँ अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म सिर्फ 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यह एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्बुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की जिंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी कड़वाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूमकर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में
दशक साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है वो दक्षिण अफ्रीका के दो वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिके गोंजा लंबेज की फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधाराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल। इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यह एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है।
वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीजें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की जिंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है। लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नजरिए की फॉर्क किसी भी अभयारण्य के आसपास घूम कर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का। तमिलनाडु के मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिकेय गोंजा लम्बेज की फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है।
और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे? बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्ची की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल। इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यहाँ एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की जिंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्ची का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है। लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है उसमें जंगल का
लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फर्म एंगल ना देखी जाए, नजरिए की फॉर्क किसी भी अभयारण्य के आसपास घूमकर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में दशक साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के दो वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिकेय गोंजा लम्बेज की फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसे कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्ची की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में करते हैं। कार्तिकेय गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमाटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी छोटी छोटी पहाड़ी जलधाराएं
और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल। इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यहाँ एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्बूत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की ज़िंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है। लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूम कर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिके गोंजा लंबेज की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों।
कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथी दांत और चंदन की तश्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और, दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रहे गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे? बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यह एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की ज़िंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है।
पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूम कर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में दशक साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के दो वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले, और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिके गोंजा लंबेज की फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस
करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है, तो वो कैमरा के साथ वहाँ अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यहाँ एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की ज़िंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूम कर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10-1 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम
उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही शार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिकेय गोंजा लंबेज की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में करते हैं। कार्तिकेय गोंजाल्वेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधाराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यह एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की ज़िंदगी आसान होती हो।
फॉर्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फर्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नजरिए की फॉर्क किसी भी अभयारण्य के आसपास घूम कर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के दो वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का। तमिलनाडु की मुदुमैले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिकेय गोंजा लम्बेज की फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी लें कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है।
कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है, तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यहाँ एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की जिंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी कड़वाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर्क किसी भी अभयारण्य के आसपास घूमकर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्डलाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि
सरकारी तौर पर उसे खत्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक जिंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिकेय गोंजा लम्बेज की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्ची की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में करते हैं। कार्तिकेय गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमाटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यहाँ एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से
शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्बूत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अठखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की जिंदगी आसान होती हो। फॉर्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फर्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है। लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूम कर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिके गोंजा लंबेज की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं।
कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रहे गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या निकलेंगे? बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्ची की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है, तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यह एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की ज़िंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्ची का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूमकर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में
दस एक साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है वो दक्षिण अफ्रीका के दो वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिके गोंजा लंबेज की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहाँ अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यहाँ एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है।
वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्बुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की जिंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी कड़वाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूम कर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10-1 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का। तमिलनाडु के मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिके गोंजा लंबेज की फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है।
और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे, बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधाराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यह एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्भुत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की जिंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए,
नजरिए की फॉर्क किसी भी अभयारण्य के आसपास घूमकर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में दशक साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है वो दक्षिण अफ्रीका के दो वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का। तमिलनाडु की मुदुमैले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिकेय गोंजा लम्बेज की फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी लें कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्ची की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के देखरेख में करते हैं। कार्तिकेय गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमाटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल। इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है।
सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यह एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कदबूत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की जिंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है। लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है उसमें जंगल का लेकर कोई भी कड़वाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूमकर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिकेय गोंजा लम्बेज की फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी,
लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो, ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और, दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रह गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या निकलेंगे? बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्ची की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है, तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमाटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ, उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं, पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल, इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यहाँ एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्बूत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की ज़िंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है, लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती।
कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नजरिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूमकर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में दशक साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के दो वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले, और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो। जानिए अश्कर बिनर फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के बारे में। एक हाथी ने बिजली का नंगा तार छूकर मारी गई और उसके छोटे से घायल बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। यही सार है इस बार अक्सर की डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड जीतने वाली फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स का। तमिलनाडु की मुदुमेले नेशनल पार्क में पूरे 5 साल लगाकर फिल्माई गई कार्तिके गोंजा लंबेज की फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ये नहीं बताती कि हाथिनी ने बिजली का तार आखिर छुआ क्यों। कई सारे बेरहम सवाल इससे जुड़ने खुद ब खुद चले आते हैं। फसलें बचाने के लिए करे गए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाथीदांत और चंदन की तस्करी, लेकिन इस फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाइयों को ना छूने का फैसला फिल्मकार ने इरादंत किया हो ऐसा भी नहीं है। फिल्म का क्राफ्ट भी कुछ ऐसा है कि इसमें विलेन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तो और दिनों दिन बेरहम होती जा रही मौसम तक को इसमें खलनायक की तरह पेश नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ गिने चुने फ्रेम्स के जरिए बता दिया गया है कि ठंड गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तो चारा पानी के लिए परेशान हाथियों के झुंड बौखलाहट में बस्तियों का रुख करते हैं। इस दौरान कई बार उनके बच्चे भटक भी जाते हैं। कई बार जानबूझकर ऐसे जानलेवा पहलुओं से दूर रहना भी बहुत मायने रखता है। अगर हम जान भी ले कि दुनिया में गिने चुने आज़ाद रहे गए जानवर कितने भयानक दबावों के अंदर सामना कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या निकलेंगे। बता तो तब है जब हम उनके दुख को महसूस कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है। यह भी एक छोटा सा गरीब परिवार एक जंगली हाथी को अपने बच्चे की तरह पालता है, उससे अलग होने पर रोता भी है। कट्टू नायकन नाम के एक आदिवासी समुदाय को पिछले 130 वर्षों से हाथियों के अनाथ बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये काम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में करते हैं। कार्तिकी गोजालवेज के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले गुणित मोंगा को जैसे ही खबर लगी कि 3 महीने का एक हाथी का बच्चा ऐसे ही एक आदिवासी परिवार में पल रहा है, तो वो कैमरा के साथ वहां अपना वक्त बिताने लगे। सिनेमेटोग्राफी की एक अद्भुत टीम ने साथ उन्होंने सिर्फ इस बच्चे और उसको पाल रहे परिवार का ही नहीं पूरे जंगल का बहुत सुंदर फ्रेम उतारे। फिल्म 43 मिनट की है, लेकिन देखते हुए साफ लगता है कि फिल्मकारों ने इस किस्से के लिए फुटेज जुटाने में कितनी मेहनत की होगी। हाथियों के झुंड के अलावा
बाघ, भालू, लंगूर, हिरन, कई तरह की पंछी, छोटी छोटी पहाड़ी जलधराएं और विविध मौसम में रंग बिरंगी रूप धरता इर्द गिर्द का विशाल जंगल। इन दृश्यों के साथ अपनी दुनिया में मगन रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन भी अपने तीज त्योहारों, देवी देवताओं के साथ उभर कर आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय वन विभाग को भी बिना किसी सरकारी फ्रेम की यह एक सजग संस्था की तरह पेश किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा टकराव वन विभाग के कर्मचारियों से देखा जाता है। वो आदिवासी जीवन पद्धति को लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं होते। अच्छी बात है कि समय के साथ चीज़ें बदल रही है। जंगलात की अच्छी देखभाल तभी हो पाएगी जब जंगल और इंसानों की आपस में पटरी बैठे। फिल्म में हाथी के बच्चे का नाम रघु है और कैमरे पर वो 3 महीने का मरियल शक्ल से शुरू करके 3 साल की उम्र वाले ताकतवर बच्चे का कद्बूत निकलता है। उसका खाना, नहाना, अपने घर में रहना और अपने पलकों के साथ बच्चों जैसे अटखेलिया करना सब कुछ एकदम से मनमोह लेता है। देखते हुए एक हुरक से उठती है कि इस सहज प्राकृतिक जीवन से हम कितनी दूर निकल आए हैं और यहाँ आकर आखिरकार क्या रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे किसी की ज़िंदगी आसान होती हो। फिल्म के बीच में ही एक छोटी सी हाथनी अम्मू को भी आदिवासी परिवार को बोमन और उसकी पत्नी को पालने के लिए सौंप दी जाती है। इस बच्चे का हाल भी ऐसा ही है जैसा रघु का अपनी माँ से अलग होने पर था। हाथियों के बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। इन छोटे बच्चों के लिए बाहरी दूध पर पलना आसान नहीं है और शायद उनकी खुराक भी मुश्किल से ही पूरी होती है। पके बालों वाले बोमन की शादी भी फिल्म के बीच में ही होती है। जिन महिला के साथ वो रहते हैं फिर शादी करते हैं, उनके पूर्व पत्नी की मृत्यु एक बाघ के हमले से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री अपनी बनावट में जंगल, इंसान और जानवर के रिश्ते की एक मनोरम तस्वीर उतारती है। लेकिन ये सब बहुत आसान है, ऐसा कोई भ्रम जाल भी नहीं बुनती। कई नुकीले सवाल भी इसमें उभर कर आते हैं, लेकिन फिल्म वहाँ ठहरती नहीं है। दर्शकों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि जिस महिला का पति जंगली जानवर के हमले में मारा गया है, उसमें जंगल का लेकर कोई भी करवाहट क्यों नहीं है। इसमें कई फिल्म एंगल ना देखी जाए, नज़रिए की फॉर किसी भी अभयारण्य के आसपास घूम कर जाना जा सकते हैं। एनिमल अटैक के बाद जैसा खौफ कथित मुख्य धारा में दिखता है, वैसा आदिवासियों में नहीं दिखता। इस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा हटकर बता दिया जाए तो द एलिफेंट विस्परर्स कम से कम अपनी शीर्षक के मामले में 10 साल पहले आई जिस किताब द एलिफेंट विस्परर्स पर निर्भर करती है, वो दक्षिण अफ्रीका के 2 वाइल्ड लाइफ रिपोर्टर्स लॉरेंस एथनी और ग्राहम स्पेस की लिखी हुई है। हाथियों का एक झुंड जो इंसानी आबादी के लिए इतना खतरनाक हो चुका है कि सरकारी तौर पर उसे ख़त्म कर देने का फैसला हो चुका है। इन कार्यकर्ता पत्रकारों ने वास्तविक ज़िंदगी में अपनी कोशिशों से इस झुंड को बचा लिया। हालांकि इस कोशिश में कई बार जानवरों और उनसे भी खतरनाक इंसानों के हाथों उसके जान जाने से बची। अक्सर विजेता द एलिफेंट विस्परर को देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसकी सफलता तब मानी जाएगी जब भारतीय वन्यजीवी के प्रति संवेदना जागने वाली और भी कुछ काम उसके पीछे देखने को मिले और एलिफेंट विस्परर जैसे मिजाज हमारे समाज की मुख्य धारा में बनना शुरू हो।